रेड टीम वर्सेस ब्लू टीम। रेड टीम और ब्लू टीम एक ही ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करती है, या हम रेड टीम को बाहर से हायर कर सकते हैं। इन दोनों का काम एक दूसरे के अपोजिट होता है, और ये काम किस तरीके से करते हैं इसको जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो अब बात करते हैं कि रेड टीम होती क्या है। रेड टीम एक हैकर की टीम होती है जिनको हायर करा जाता है ताकि वो रियल लाइफ अटैक की तरह ही अटैक करके उनको बताए कि सिक्योरिटी कैसी है। ये लोग इस अटैक को रियलिस्टिक बनाना चाहते हैं जितना हो सके। रेड टीमिंग एक हाई लेवल अटैक का सिमुलेशन होता है जो कि ये चेक करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि कंपनी के लोग नेटवर्क एप्लीकेशन और फिजिकल सिक्योरिटी कितनी हद तक एक रियल लाइफ अटैक का सामना कर सकती है। 6-28% हमले ऑर्गेनाइजेशन के करंट या फिर पुराने एम्प्लॉय की मदद से किए जा सकते हैं। रेड टीम बहुत सारे मेथड और टूल को यूज़ करके कमजोरी और कमियां ढूंढती है नेटवर्क में। रेड टीम सारे तरीके यूज़ करेगी सिस्टम में घुसने के लिए। वल्नरेबिलिटी के हिसाब से वो मेलवेयर भी डिप्लॉय कर सकती है सिस्टम को इन्फेक्ट करने के लिए। इवन बाईपास करते हैं फिजिकल सिक्योरिटी को, जैसे एक्सेस कार्ड का क्लोन करना। तो बात करते हैं कि रेड टीम किस तरीके से अटैक परफॉर्म करती है। ये लोग बहुत सारे तरीके, जैसे कि पहला है पेनिट्रेशन टेस्टिंग, जिसको एथिकल हैकिंग के नाम से भी जाना जाता है, जहां वो ट्राई करते हैं सिस्टम को एक्सेस करने की सॉफ्टवेयर के थ्रू। अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूँ, जॉन द रिपर, ये एक पासवर्ड क्रैकिंग टूल है जो कि बता सकता है कि कौन सा एन्क्रिप्शन यूज़ हुआ है और फिर ट्राई करता है उस पासवर्ड को बाईपास करने का। दूसरा आता है सोशल इंजीनियरिंग। ये एक टेक्निक है जिसमें लोगों को बहुत ही चालाकी से मैनिपुलेट करके उनके निजी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तीसरा आता है फिशिंग। फिशिंग में हैकर ऑथेंटिक दिखने वाली ईमेल, जैसे से स्टाफ को ईमेल भेजता है और उनको काम करने के लिए लुभाता है, जैसे हैकर की वेबसाइट पर जाना और वहाँ पर लॉगिन करना या क्रेडेंशियल डालना। अगर मैं इसका एग्जांपल बताऊँ तो जैसे बैंक की तरह दिखने वाली वेबसाइट में आपको ले जाना और फिर आप जैसे ही लॉगिन और पासवर्ड डालते हैं वो लोग और पासवर्ड हैकर के पास चले जाता है। सिस्टम के चौथा है सिस्टम के बारे में पता करने की। अगर मैं एग्जांपल लूँ, अगर अटैकर को पता चल जाए कि कंपनी का सर्वर माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल रहा है, तो वो माइक्रोसॉफ्ट के वीकनेस का फ़ायदा उठा के अपने अटैक प्लान करेगा। पाँचवा होता है कार्ड क्लोन करना। कार्ड क्लोन करना उस एम्प्लॉय का जिसकी हेल्प से वो सर्वर रूम में घुस सके। तो अब बात करते हैं कि ब्लू टीम होती क्या है। एक ब्लू टीम में सिक्योरिटी प्रोफेशनल होते हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के सेंसिटिव डेटा को सिक्योर करते हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी साइबर अटैक से सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। ये लोग अवेयर होते हैं बिजनेस ऑब्जेक्टिव से और फिर उस हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी की स्ट्रेटजी तैयार करते हैं। तो अब बात करते हैं ब्लू टीम किस तरीके से काम करती है। ब्लू टीम रेगुलरली चेक करती है सिस्टम को, जैसे कि DNS ऑडिट, इंटरनल और एक्सटर्नल नेटवर्क में वल्नरेबिलिटी स्कैन करना, नेटवर्क में से कुछ ट्रैफिक को कैप्चर करना ताकि वो चेक कर सके कुछ गड़बड़ तो नहीं है। ब्लू टीम रिस्क को एसेस करती है और पता लगाती है कि इसे कितना हद तक कम हो सकता है। ब्लू टीम रिस्क को एसेस करती है और पता लगाती है कि इससे कितना खतरा हो सकता है। जब वो रिस्क को एनालाइज कर लेती है तो वो एक एक्शन प्लान तैयार करती है जो किसी भी अटैक को जितना हो सके उतना कम कर दें। तो फिलहाल के लिए ही इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।